ब्रीडिंग सीजन शुरू होने से पहले जो आप मिक्स सीड बनाए इसमें जो स्पेशल चीज डलेगी वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, और ये चीज सिर्फ आपने विंटर सीजन में यूज करनी है। चले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। आई होप यू आर फाइन। चिपोजामा एवरी चैम आपको वेलकम है। आज हम आपको बताएंगे हर तरह के लव बर्ड के लिए आप मिक्स सीड कैसे प्रिपेयर करें। अब वैसे भी आपको पता है जैसे ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो गया और विंटर आपका करीब है, तो अब आपको हम आज गाइड करेंगे कि आप कैसे मिक्स सीड बना सकते हैं एक लव बर्ड के लिए, हर तरह के लव बर्ड के लिए, चाहे वो फिशर हो कि कोई भी किस्म का लव बर्ड हो, आप उसके लिए मिक्स सीड कैसे बनाएं आज हम आपको पूरी गाइड के साथ एक्सप्लेन करेंगे। और साथ ही साथ ये मिक्स सीड आप बजीज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये हम मिक्स सीड 5 किलोग्राम के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, मतलब ये टोटल मिलके 5 किलोग्राम बनेगा मिक्स सीड। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ले लेंगे छोटी कंगनी, जिसे आप बारीक कंगनी भी कह सकते हैं। जैसे ही आप देख सकते हैं मैंने कैमरा में फोकस किया हुआ है, ये होती है छोटी कंगनी। 5 किलो के मिक्स सीड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कंगनी 1125 ग्राम्स लिए है, मतलब मैंने 1125 ग्राम लिया है यहाँ पर कंगनी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमने मोटी कंगनी ली है, जिसे आप चीना भी कह सकते हैं। ये देखिए मैंने कैमरा में फोकस किया। अब आपने जो चीना लेनी है वो अकॉर्डिंग टू 5 किलोग्राम मिक्स सीड आपने लेनी है 625 ग्राम, मतलब 625 ग्राम आपने चीना लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर कैनरी सीड लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कैनरी सीड इस तरह दिखता है। हमने 1125 ग्राम कैनरी सीड लिया। अब यहाँ पर हमने लाल कंगनी ले ली है और 5 किलोग्राम मिक्स सीड में हमने यहाँ लाल कंगनी का इस्तेमाल 625 ग्राम्स कर लेना है, मतलब 625 ग्राम आपने यहाँ लाल कंगनी ले लेनी है। यहाँ आप देख सकते हैं लाल कंगनी इस तरह दिखती है। अब यहाँ पर आपने 5 kg मिक्स सीड में यहाँ पर आपने 125 ग्राम के बंग के बीज ले लेने हैं, यानी 125 ग्राम के बंग के बीज ले लेने हैं, और साथ ही साथ 5 किलोग्राम मिक्स सीड में मिक्स कर देने हैं। यह आप देख सकते हैं बंग के बीज इस तरह दिखते हैं। अब यहाँ पर हमने 250 ग्राम सनफ्लावर सीड ले लेने हैं, यानी 250 ग्राम सूरजमुखी के बीज ले लेने हैं और 5 kg मिक्स सीड में मिक्स कर देने हैं। आप देख सकते हैं कि सनफ्लावर के सीड इस तरह दिखते हैं। और साथ ही साथ हमें जौ भी 250 ग्राम में ले लेनी है 5 kg मिक्स सीड के लिए, जौ कुछ इस तरह दिखती है। 5 किलोग्राम मिक्स सीड के लिए हमने 125 ग्राम अलसी ले लेनी है। 5 किलोग्राम मिक्स सीड के लिए आपने बाजरा 500 ग्राम ले लेना है। 5 किलोग्राम मिक्स सीड के लिए आपने 250 ग्राम खुरतम के बीज ले लेने हैं। यहाँ पर आपने धान के छिलके वाले चावल 250 ग्राम ले लेने हैं 5 किलोग्राम मिक्स सीड के लिए। ये 5 किलोग्राम मिक्स सीड स्पेशली अगर आप विंटर के लिए बनाए हैं तो इसका स्पेशल जो इंग्रेडिएंट है वो है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। आप इसकी 1 स्पून 5 किलोग्राम मिक्स सीड में मिक्स कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके बर्ड्स अच्छी तरह एग ले करेंगे। और आपने ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरह का ऑयल जो भी यूज़ करें वो सिर्फ विंटर सीजन तक यूज़ करें, समर सीजन में किसी भी किस्म के ऑयल का यूज़ ना करें। आपको आसानी से कहीं से भी ऑलिव ऑयल मिल सकता है। जो हमने सारी चीज़ें डाली थी अब उन्हें हम मिक्स कर लेंगे, और साथ ही साथ ऑलिव ऑयल की जो हमने 1 स्पून डाली थी उसे भी मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं समोसा आ गए हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ वो मिक्स सीड में कुछ चुरा भी रहे हैं। समोसे का सनफ्लावर सीड और साथ ही साथ खुरदम के बीज बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये आप देख सकते हैं ये 5 किलोग्राम मिक्स सीड प्रिपेयर हो गया हमारे पास। चलिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू।